चैनल पर। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, राली बहना योजना की राशि बढ़ाएंगे सीएम शिवराज, 3,000 रुपये प्रति माह तक करने का किया है वादा। जी हाँ साथियों, इन सभी खबरों को लेकर अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। ऐसे में सीएम शिवराज की आधी आबादी को लुभाने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं सीएम शिवराज ने कल पन्ना जिले में गुनौर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि लाली बहना योजना की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव मुहाने पर लगा हुआ है, ऐसे में सत्ता में बैठे सीएम शिवराज लोगों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि लाली बहना की योजना की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ने कल यह भी कहा कि महाविद्यालय विज्ञान संकाय की कक्षाएं शुरू की जाएगी। इसके साथ ही गुनौर कन्या हाई स्कूल की हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया जाएगा। जैसे कि भाई आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रति माह लाली बहना योजना की राशि में 250 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ बढ़ोतरी के लिए कोई समय सीमा भी नहीं बताई हुई है। जैसा कि भाई आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 26,23,733 है। 232 विधानसभा सीटों में से कम 18 में से उनकी संख्या पुरुषों में अधिक हुई है। जी हाँ सदी, इन सभी खबरों को जानते हुए क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन सकती है, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद साथी, बुढ़े चलिए तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।